आइए हमारे एक्टिव स्टार मंच में आपका शेयरिंग दीजिए। द मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। हेलो एवरीवन, वॉइस चलिए, थैंक यू वेरी मच हमारी आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। एंड लास्ट बार मैं नहीं आ पाया था, बट आज बिल्कुल आया हूँ। काफ़ी मैंने स्ट्रिक्टली भी आया सर, आना ही पड़ेगा मुझे, वहीं पिछली बार किसी कारणवश में नहीं आया पाया था, उसके लिए सॉरी। बट कोशिश में आप यही करता हूँ कि टाइम से बिल्कुल हम आ जाए। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, मैटर नहीं करता है। आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू साफिर भाई एंड एक्टिव स्टार मंच का धन्यवाद, हर बार की तरह मुझे आपने इनवाइट किया है। और आज बिल्कुल हम लोग नए फेस को देखने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं कि नया फेस क्या होगा ऑन पैसिव का, जो कनेक्ट का। और हम सभी में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। हम सभी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो लेटेस्ट वर्जन है वो कनेक्ट का उसे देख पाए, और बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए। और अभी जिस तरह से जो एक्सटेंशन हो रहे हैं, तो डोंट वेरी, वो एक्सटेंशन कंपनी को अपने हिसाब से करने दीजिए, वो अपने हिसाब से एक्सटेंशन करेंगे। ये कब तक होता है, बंद होगा, जो भी होगा, या नए क्या चीज़ें आती हैं, हम उस सभी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। तो वेट एंड वॉच वाली बात है, हमें जस्ट इंतज़ार यहाँ पे करना होगा कि क्या यहाँ पे कंपनी अपनी अपडेट्स लेकर के आती है, कैसे यहाँ पर हमारा जो है नया वर्जन देखने को मिलता है। तो उसका हमें वेट करना है आज, क्योंकि 12 तारीख है और मार्च जो है वो मार्च का मतलब लगभग आधा मार्च बीत चुका है, 12 मार्च है आज। एक्साइटमेंट तो है, साथ ही साथ एक चीज़ और है, क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, टाइम लगेगा। सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल 100% हम ऑन पैसिव में आ गए हैं, विन हो गए ऑलरेडी, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपने हिसाब से जो भी चीज़ें करेगी वो डिसाइड करेगी यहाँ पर, हमें बिल्कुल अपना माइंड नहीं लगाना है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी जहाँ मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, बड़वाह शहर में, छोटा सा शहर है, मैं रिसेंट के कुछ फाउंडिंग मेम्बर थे जो कि मुझे नॉर्मली वर्चुअली देखते थे, आसपास ही थे, बट उन्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ रहता हूँ, और वो आए और करीबन 7-8 लोग थे उस टाइम फाउंडिंग मेंबर। और बेचारे बड़ी, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी फ़ोन कॉल भी थे उसमें, और उन्हें नंबर भी पता नहीं, मुझे मेरा कहाँ से पता चला, जैसे तैसे उन्होंने पता किया और वो मुझे ढूंढते हुए आए। और बड़ी खुशी हुई उनसे, मुझसे मिल के, जब वर्चुअल तौर पर उन्होंने देखा था, अब जब डायरेक्टली जब वो हमसे मिले हैं, तो उसका एक अपना मतलब अनुभव रहा, और खुशी हुई कि हमारे साथ जो है सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे पास कर सारे फाउंडिंग मेंबर। और फिजिकल तौर पे जो एक मिलना होता है, जो आप फेस टू फेस मिलते हैं, उसका अपना एक मज़ा होता है। और क्योंकि सभी एक्साइटेड है, सभी जानना चाहते हैं क्या है, क्या नहीं है, होगा और क्या होगा, तो जब लोग मिले तो बहुत एक्साइटेड थे सर, क्या होगा, क्या और पैसिव में क्या है, हम तो वैसे आपको देखते हैं सुनते हैं, बट एक अपना जो जब आदमी लाइव देख लेता है, चलो भैया आदमी है, मतलब ये रियल बंदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्चुअल तौर पे है, तो वो बहुत खुश होते हैं लोगों देख के। और वो खुशी जो होती है हमारा एक तरफ जो है एक्साइटमेंट भी बढ़ाती है कि देखिए हम लोग का जो फैमिली है, ऑन पैसिव का फैमिली कितना बड़ा है, और यहाँ पर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग बहुत खुश हैं, और सब लोग जो है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी एप्पल्स यहाँ पे जनरेट हों, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर और वर्क करने लग जाए। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि हम सुपर एक्साइटेड हैं और सुपर डुपर एक्साइटेड हैं कि ऑन पैसिव में अभी क्या चीज़ें नहीं आएंगी। और एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं, कई बार कुछ एक्स्ट्रा लोग बोल देते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अपने पास से एक्स्ट्रा मत बोलिए कहीं भी वेबिनार्स वगैरह होते हैं। दूसरा, अभी आज एक बड़ा पोस्ट चल रहा था, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि वो है 21 मार्च के पहले जो है ये हो जाएगा, और 21 मार्च के पहले मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयरिंग किया जा रहा है, तो मैं बोलूँगा ऐसी शेयरिंग बिल्कुल भी मत करें। ऑफिशियली कहीं भी कंपनी ने इसकी घोषणा नहीं की है, कोई उसे एडिट करके भी बना देता है, कोई किसी का नाम देके, किसी लीडर का नाम उस पर डाल के भी एडिट करके बना देता है, तो उस पर बिलीव मत कीजिए। अगर जो भी होना होगा तो वो बैक ऑफिस में, वो फाउंडर्स में हमें देखने को मिल जाएगा, वो हमें देखने को मिल जाएगा OES की एप्लीकेशन में,
तो जस्ट हमें उस पर ही बिलीव करना है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल बिलीव मत करें। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि हमारा OES का जो लेटेस्ट वर्जन है, आपने देख लिया होगा, एक लेटेस्ट वर्जन भी अभी मतलब कि उसका अपडेट का ऑप्शन वहां पर आ गया था OES का, तो आप उसे जाकर के बिल्कुल, जिन लोगों ने हालांकि सबने कर लिया होगा, एक दो दिन पहले आया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसे अपडेट जरूर कर लीजिए। जब भी आप अपडेट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्टिविटी जरूर होती है, वो दिखती नहीं है, बट हर तरह से अगर देखा जाए तो अपडेट हर बार हर हफ्ते कुछ ना कुछ उसके अंदर आता है, मतलब अपडेटेड वर्जन जो वो आता है उसे आप जरूर अपडेट बार बार किया कीजिए, उससे रिफ्रेश भी जो आपकी फ्रेश रहेगी जो है वहाँ पे आपका जो OES है और उसमें और भी जो एक्टिविटी होगी आपको फटाफट उसमें पता चल जाएगी, तो वो जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जो है अभी आप देखेंगे कि बैक ऑफिस में मतलब ofounders.net पे जो है एक कई लोग ये बोलते हैं कि यार हम जो है OConnect को कैसे, अभी भी कई लोग ऐसे OConnect को कैसे जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डायरेक्ट हो प्ले स्टोर पे जाके करें या कैसे करना है, तो वहां पर जो वीडियो एक आया है आप देखे होंगे कल परसों वो आया था, जिसके अंदर आप जो है एड मतलब कैसे आपको कनेक्ट के यहाँ पे यहाँ पर जो अपना बड़ी वाली लिंक है उसको टेम करके कैसे छोटा बनाया था, शॉर्ट में लिंक कैसे की जाती है, वो भी वहां पे ऐसे करीब 3-4 छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, उसे जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी जानकारी है, जिन लोगों को नहीं पता है वो बिल्कुल देखें और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहां जरूर होता है, तो वो होगा। और इसके अलावा अगर करंट पे बात करें तो अभी ऑनपैसिव 360 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो अभी हर जो पहले वेनसडे को होता था, लेकिन लास्ट 2 बार से आप देख रहे होंगे कि वो वेनसडे के बजाय थर्सडे के दिन होता है, मतलब गुरुवार के दिन होता है, तो ये भी एक चीज है। आज रेड एफ इन्होंने भी शेयरिंग किया था कि भैया अभी गुरुवार को ही होगा अभी आने वाले दिनों में, तो बिल्कुल उसके लिए एक अच्छी अपडेट ये है हम लोगों के लिए कि डेफिनेटली अगर एक दिन आगे बढ़ता तो हर बार पिछली 2 बार से जैसा उसके पिछली बार जो आयुष्मान सर जरूर आए थे और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर, तो उसी तरह से जो है इस बार भी उम्मीद है डेफिनेटली कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा अभी आने वाला वीक, क्योंकि आने वाला वीक क्या इसी वीक में कुछ अच्छी अपडेट देखने को मिल जाए, मे बी आज क्योंकि मंगलवार है और अभी भी 6-7 दिन है इस वीक में, कुछ और घटनाएं घटित हो सकती हैं आपकी OES की जो है वहां पर, तो उसे भी आप कंटिन्यू देखते रहिए। और एक बहुत प्राउड होता है हमें कि इस कंपनी का हम पार्ट है, हम डिले हो रहे हैं, हम हर चीज में डिले होते हैं, बिल्कुल हम डिले हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप 100% विनर हैं इसमें भी कोई शक नहीं है, और हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल जाए कि एक साथ कई बड़ी बड़ी अपडेट्स भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है कि जब तक काफी दिन तक कुछ अपडेट नहीं आती है तो कुछ अच्छा धमाका जरूर देखने को मिलता है, और कार्ड भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह देखने को जरूर मिलेंगे, और कार्ड के थ्रू भी आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन वगैरह जो है वो फ्यूचर में कर सकते हैं। और रिसेंटली भी मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिये नॉर्मली लोग ज्यादातर जो कार्ड पे विश्वास करते हैं वो नॉर्मली ऐसा कार्ड होता है जो मतलब कि फिजिकल कार्ड पे बिलीव करते हैं कि यार फिजिकल कार्ड होना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं वर्चुअल कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वर्चुअल कार्ड ज्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से जो है वर्चुअल कार्ड जो होता है वो नॉर्मल कार्ड से ज्यादा बेटर होता है। उसका रीजन ये है कि इसमें जो है आप पहली बात तो सेफ्टी रहती है इसमें, आना टूटने फूटने का डर कुछ भी नहीं रहता है, और इसके अंदर दूसरा फायदा ये रहता है कि आप इसके थ्रू जो है ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी इंटरनेशनल नेशनल ट्रांजेक्शन सभी कर सकते हैं, आप सभी जगह उसको यूज कर सकते हैं तो सभी जगह यूज कर सकते हैं, बस ATM में जाके पैसा निकालने वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी सारा चीजों को आप उसमें यूज कर सकते हैं, और ज्यादातर ऐसे आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके भी उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सेफ्टी उसके अंदर बहुत जबरदस्त होती है और वैसा ही पूरा काम करता है। आप अगर डिजिटल कार्ड के बजाय फिजिकल कार्ड बुलाएंगे तो पहले फिजिकल कार्ड का चार्जेस लगता है, वर्चुअल कार्ड का कोई चार्जेस नहीं लगता है। ये मैं सिर्फ ऑनपैसिव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस सारी चीजों के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, जैसे रिसेंटली मैंने अभी जस्ट ये मीटिंग चल रही है उसके पहले मैंने मेरा SBI का कार्ड जो था वो गुम गया था, और बहुत दिन हो गए थे, मैं सोच रहा था यार कार्ड, क्योंकि बिना उसके जो है आप गूगल पे फोन पे पे जो है ऐड नहीं कर सकते जब तक आपका कार्ड नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे वर्चुअल कार्ड जो है उसका अप्लाई किया, और विद इन
तीन एक या दो मिनट के अंदर मैंने उसको अप्लाई किया, बिल्कुल मेरा वर्चुअल कार्ड आ गया, स्क्रीन पे भी आ गया, एप्लीकेशन में भी आ गया और उसके थ्रू मैं सारे ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो बहुत सेफ है, आप उसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऑप्शन होता है क्लासिक लेना है आपको या इंटरनेशनल, तो आप इंटरनेशनल वाला लीजिए क्योंकि हमें फ्यूचर में भी हो सकता है जरूरत पड़े। तो ये इसमें काम आया आपने वर्चुअली, इसको मैंने अप्लाई किया आराम से हो गया। वैसे हमारा ऑन पैसिव के भी जब कार्ड आएंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि वर्चुअल और जो है फिजिकल दोनों ऑप्शन आपके पास होगा। सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे वर्चुअल कार्ड के हैं। वर्चुअल कार्ड जैसे ही आएगा इसके अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन जो है गतिविधियां वो कर सकते हैं। और पहले वर्चुअल कार्ड आएगा, वेरीफाई आता है पहले, उसके बाद में क्या होगा ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा हमारे एक्सटेंशन जो वो कनेक्ट के कैसे कंपनी यहाँ पे देती है, कैसे यहाँ पे आगे चीजें आती। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यू ब्रांड न्यू हमारा वो कनेक्ट नहीं आएगा तब तक अभी मेरे ख्याल से तो कुछ उसके पहले होने वाला नहीं है। लेकिन वो जैसे ही वो कनेक्ट हमारा आएगा सामने, उसके बाद में जो है बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी चीजों का रास्ता खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले हम बात करें तो वो कनेक्ट आने के बाद में 100% वो वेरीफाई, उसके बाद में हमारा वो ट्रैकर, उसके बाद में फिर वो ब्लैस, इसके बाद में डेबिट कार्ड और ये सब का 100% वो लाइनअप होने वाला है। क्योंकि यही बात है ना कि बॉस तो एकदम रेडी है, जो है हमारा इंटरनेट बॉस ऑन पैसिव जो है इंटरनेट बॉस का पहला प्रोडक्ट जो है वो है हमारा को कनेक्ट, तो बैक बोन कहा जाता है बिल्कुल। वो जैसे ही एकदम नया ब्रांड न्यू आएगा उसके बाद में 101% यहाँ पे हमारे बाकी प्रोडक्ट का रास्ता भी तैयार हो जाएगा और वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट की। भैया आप जल्दी से अपने लेटेस्ट वर्जन के साथ आओ, अपने नए घर की शुरुआत करो। जैसे ही आपका नया घर आएगा, आप नए घर में प्रवेश करोगे भाई साहब वो कनेक्ट, तो हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और हम आपके साथ में हैं, तो बिल्कुल हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो सारे प्रोडक्ट लाइनअप है और 100% इसमें भी ये तय है कि नया वर्जन तो आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है कि एक्सटेंशन अगर नहीं होंगे तो फिर जेब से हम कैसे पैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 100% तय है कि अगर यहाँ पर हमारा लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसके साथ में जो है बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे कि आपके कुछ कमीशन बोनस भी देखने को मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी होगा हमें वो देखने को मिल जाएगा, तो हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डेफिनेटली। और हमारे वॉलेट्स में भी 100% हलचल होगी क्योंकि लास्ट बार जब ऐश मुफारे सर आए थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बिल्कुल यहाँ पे आपके वॉलेट में भी कुछ आपको हलचल दिखेगी और आप बहुत जल्दी जो है वर्चुअल कार्ड के लिए जो है या कार्ड के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। खासकर इंडिया की बात करते हैं तो फरवरी में ही, जैसे वहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन उनसे कि भैया आपका जो है इंडिया के लिए तो आपने कार्ड रेडी है, बाकी दूसरी कंट्री के लिए क्या है। तो बोला देखिए इंडिया के कार्ड तो यहाँ पे फरवरी में ही रेडी हो गए थे और फरवरी में अगर वो रेडी हो गए थे तो बिल्कुल उसके अंदर कुछ चीजें लोड होंगी, इसका आप यूज भी कर पाएंगे पेमेंट करने में कहीं भी किसी भी जगह पे। और 101% ये आपका बहुत फायदेमंद कार्ड होगा। अभी वर्चुअल तौर पर कब आता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो बिल्कुल हमारा लेटेस्ट वर्जन, सारी कहानी AI वर्जन जो लेटेस्ट वाला आएगा वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ और भी कई और फीचर्स के साथ में, उसके साथ में सब चीजें अपडेट होकर के आपके सामने आएंगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच वाली बात है। और यहाँ पर आपकी जो एक और क्वेश्चन काफी लोग का ये होता है कि हमारा जो प्रोफाइल में जैसे नाम कुछ ऐसा है कुछ अलग है, दोस्तों उससे देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैं रिसेंटली आपको अभी बताया था जैसे कि मैंने अपना जो ग्लोबल कार्ड जो था अपना SBI बैंक का मैंने अप्लाई किया वर्चुअल, तो उसमें मैंने अपना नाम नहीं लिखा, कुछ और नाम लिख दिया इंटरनेट बॉस और ये लिख दिया, तो उससे मतलब नहीं होता है। आपका अगर KYC वहां पर परफेक्ट है, मतलब आपकी KYC आपका वहां पे KYC ओके हो गया है, आपने सही डिटेल्स डाली है और आपका वो बैंक से अगर लिंक हो गया तो 100% वो आपका जो है वेरीफाई हो जाता है। और वेरीफाई होने के बाद में आपका जो है वर्चुअल कार्ड के लिए जब आप ट्राई करेंगे तो उसमें आप कार्ड के ऊपर नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, उसका जो है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका हो सकता है कि प्रोफाइल में जो ऑन पैसिव की OES की प्रोफाइल में से नाम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। अगर अंडर 18 है, कोई बोल रहे हैं कि बच्चे हमारे छोटे हैं उनका क्या करें, तो उनके नाम से भी आप अकाउंट रहने देंगे आई थिंक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों के नाम से, तो डोंट वरी, बच्चों का भी पैन कार्ड बन जाता है, बच्चों का भी आधार कार्ड बन जाता है और उसमें गार्जियंस के सिग्नेचर लगते हैं, तो वो भी वेरीफाई हो जाता है। अगर आप बैंक में भी अकाउंट खोलेंगे तो वो पॉसिबल है कि आप उनका भी अकाउंट खोल के उसमें भी ट्रांजेक्शन जो भी कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे कि सबसे बेस्ट वही होता है कि अपने नाम से ही रहने दे। नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे नहीं, बच्चे के नाम से रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये रहेगा, ऐसा नहीं है।
आपके नाम से भी रहे तो जो भी है उसका जो भी रेवेन्यू है या तो आप सभी एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाले, ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे के नाम से है तो वही रखेगा, आपके नाम से तो आप ही रखोगे, फैमिली में सब एक ही होते हैं, सारे फैमिली मेंबर एक फैमिली है, तो उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं किसी के भी नाम से कुछ भी रहे तो डोंट वरी। इसमें एक चीज और थी, कई लोग पूछते हैं जैसे कि हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल अकाउंट है मतलब एक नाम से बहुत सारे हमारा, जैसे ऑन पैसिव की हमने आईडी ले रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने नाम से एक ही नाम से जो है 10-10 आईडी ले रखी है, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 70, ऐसे भी ले रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, क्या सबकी अलग अलग से क्या वेरिफिकेशन करना पड़ेगी हमारे सभी आईडी का? तो ये देखिए अपकमिंग अपडेट के ऊपर छोड़ दीजिए, मे बी अगर अलग अलग भी होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो वेरीफाई भी अगर होता है तो यहाँ पे सिंपल सा आपको सामने फेस का वो करना पड़ेगा, आपका फेस रजिस्टर, उसके थ्रू आराम से सारी चीजें हो जाएंगी और आप आराम से जो हैश सर ने बताया था कि वो वेरीफाई भी अगर आता है सिर्फ एक मिनट में आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे अगर आप सही तरीके से करते हैं, तो उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन परफेक्ट हो, थोड़ा सा साउंड हो आसपास का, जिस तरह से किसी और का साउंड आना नहीं चाह रहा आना चाहिए नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, और इसी टाइप से कुछ उसकी प्रोसेस होती है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड रेडी होना चाहिए, ब्लैंक पेपर उसकी साइन करने के लिए रेडी होना चाहिए, उस टाइप से वेरिफिकेशन सारे होते हैं, नॉर्मली जो बैंक के वेरिफिकेशन होते हैं ऐसे ही होते हैं, तो वेरीफाई भी कुछ इसी तरह से होने वाला है, तो उसका उसमें ये सारी चीजें होंगी, तो वेरीफाई इंतजार करना है बस कि किस तरह से होता है। मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं तो मे बी इसमें चांसेस है फ्यूचर में जाकर के इसके अंदर जो है एक मेन अकाउंट में, मान के चलिए मेरे नाम से 10 अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि एक ही अकाउंट में सब हो जाए, तो मे बी चांसेस है। यहाँ पर मिस्टर एस ने कुछ बहुत पहले कुछ साल भर पहले की अपडेट में बात बताई थी कि यहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज है कि आप अपना एक ही नाम जैसा मेन वाले अकाउंट है उसी में सब जो है चीजें ट्रांसफर करके और एक ही से सारी चीज वेरीफाई हो जाए, मतलब अलग अलग वेरिफिकेशन नहीं लेना पड़ेगा, अलग अलग वॉलेट पे पेमेंट भी होते हैं, एक ही वॉलेट पे भी ले सकते हैं, तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का सिस्टम आ सकता है, बट फाइनल तो नहीं है लेकिन बहुत पहले से बताया जरूर गया था, चांसेस यहाँ पे 101% है कि ये इस टाइप से हो सकता है। तो वैसे आपका लाइफ बनाने के लिए एक ही अकाउंट काफी है, मिस्टर एश ने बार बार कहा है, लेकिन कई लोग जो मल्टीपल अकाउंट ले लिए हैं कुल मिला के अगर मानिए तो बहुत दुखी भी होने वाले, इतने सारे अकाउंट का करोगे क्या आप? तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह कि आपका अगर एक भी सिंगल अकाउंट है ना तो डोंट वरी, आप बिल्कुल सही दिशा में हो। अगर आपने 97 देखे भाई उसके अंदर फाउंडिंग मेंबर बने थे, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर अगर फाउंडिंग मेंबर बनने के बाद में फिर आपने जो है यहाँ पे सबसे पहले तो पैकेज बाय किया था, अगर आपने पैकेज बाय किया था तो 100% आप जो है यहाँ पर शामिल हो चुके हैं एक बड़े विजन की तरफ जो कंपनी का है, और अर्ली बर्ड्स की बात करते हैं तो 16 अगेन उस पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम बैक में, तो 16 जनवरी 2024 को जो है अर्ली बर्ड्स की बात की गई, जिनने 16 जनवरी 2024 तक के पैकेज बाय जल्दी कर लिए हैं तो उन्हें टाइम एंड डेट के अकॉर्डिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो अर्ली बर्ड्स के लिए अभी अगर रियलिटी में देखा जाए तो अभी भी बड़ा सस्पेंस बना है कि इसके अंदर होगा क्या, अर्ली बर्ड में कौन लोग होंगे, डेट और टाइम के हिसाब से होंगे, लेकिन उसमें फिर भी एक सस्पेंस है कि इसमें खैर टीम साइज मैटर नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनने पैकेज बाय किया उन्होंने 16 तारीख तक अपने पैकेज बाय कर दिए होंगे, वो सब आ गए इसमें, जीरो टीम हो या फलाना जो भी हो, तो ये चीज है यहाँ पे, तो अर्ली बर्ड्स भी शामिल है। और थोड़ा सा बैक में अगेन जाएंगे तो देखा जाए अगर तो 10 जनवरी को जो अपडेट आई थी खासकर कार्ड को लेकर के, उसमें बहुत सारी अपडेट थी 10 जनवरी 2024 को, एक था कार्ड को लेकर के स्पेशली कि कार्ड के लिए काम चल रहा है, उसी टाइम बता दिया गया था, और आपके उसमें कमीशन की लोड से रिलेटेड भी कुछ बात मिस्टर एस ने कही थी 10 जनवरी 2024 की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे 10 जनवरी 2024 आज चल रहा है, 12 मार्च 2024, तो लगभग उस बात को 2 महीना बीत चुका है, मतलब कहने का यह है कि कार्ड का काम जनवरी मंथ से नहीं उसके पहले से ही किया जा रहा था, और काफी पहले से किया जा रहा था, और बैक एंड पे क्या क्या हो रहा होगा शायद हम बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि मतलब किस लेवल पे हो रहा होगा, कहाँ इन पे बैंकों से टाई अप है या पता नहीं किसके साथ क्या टाई अप हुआ है कंपनी का बहुत बड़ा, जिससे हम किसी और पर डिपेंड नहीं रहने वाले बल्कि कार्ड में ही बहुत कुछ हमारा हो जाएगा, और उस कार्ड का वाकई में हमारा बहुत लाइफ चेंजिंग रहेगा, वो उसमें क्या चीजें लोड होती हैं, कैसे ऐसे यूज करना है, कैसा ये आएगा, वर्चुअल कार्ड कैसा होगा, इसमें आपका फिजिकल कार्ड कैसा होगा, बहुत सारा मन में चीजें हमारे माइंड में चल रही है, तो हम लोग सभी एक्साइटेड है इस बात को लेकर के, और इसीलिए हम लोग हर मीटिंग वेबिनार में जाते हैं कि शायद कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए, बट ओवर कई बार एक्साइटेड होके कुछ लोग ओवर शेयरिंग कर देते हैं, तो उस ओवर शेयरिंग से भी बचिएगा,
क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ओवर अगर होगा तो भैया वो मामला थोड़ा पैनिक वाला हो जाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं, आपने ये बताया था वो वाली बात हो जाती है। और एक और आपने जैसा देखा होगा होम मीडिया से रिलेटेड आज बहुत बढ़िया एक ऑन जॉय प्रोडक्ट को लेकर के शानदार एक होम मीडिया पे जो बिल्कुल वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह है आपने आज देखा होगा, अभी शाम शाम भी वो आया है। और किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है ऑन जॉय ह्यूमिनिटी के लिए काम करेगा, यहाँ पे बच्चों के हेल्प के लिए बहुत सारी चीजें एजुकेशन पर्पज से उसको बनाया गया है और ऑन जॉय वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है। और यहाँ पे बात सिर्फ हर प्रोडक्ट से पैसा बनाने की नहीं है, और पैसे में हर प्रोडक्ट पैसा बनाने के लिए नहीं आया है, जैसे कि ऑन जॉय कोई पैसा बनाने का नहीं है, ओब्लेस कोई पैसा बनाने के लिए नहीं आया है, ये हेल्प के लिए आया है। तो वैसे ही ऑन जॉय एक बहुत ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होगा, इसके अंदर जो भी बच्चे हैं जो एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन लेना चाहते हैं बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी, वो स्किल भी हमारा इसमें शामिल होगा। तो ऐसे बैकएंड पे कई सारे काम ऐसे किए जा रहे हैं जो कि हमारे बहुत ही शानदार और जबरदस्त हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। तो जो बैक ऑफिस की अपडेट आती है वो तो रहती है, लेकिन उसके अलावा जैसे ओ मीडिया से रिलेटेड काफी चीजें, ओ मीडिया हुआ और उसके अलावा और भी चीजें जो है जैसे ब्लॉग है, आप ऑन कौशिक के जो ब्लॉग होते हैं उस पर जरूर जाइए, उस पर नॉर्मली बहुत कम लोग जाते हैं, वहां भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, तो उसे भी बिल्कुल मिस मत किया कीजिए, वहां भी जानकारियां काफी सारी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो अभी काफी लोगों का ये है कि पेंडिंग विड्रॉल सर कब तक देखने को मिलेंगे या पेंडिंग विड्रॉल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या, तो देखिए पेंडिंग विड्रॉल के बारे में जो है जो मिस्टर एश ने बोले भी थे लास्ट बार जब आए थे अपडेट देने, तो यहाँ पर अभी जो है जितने भी विड्रॉल है अभी उसे जो बोला गया है कि अभी उसे रोका गया है ना, कैंसिल नहीं किया गया, रोका गया है बल्क पेमेंट्स को अभी रोका गया है। तो अभी फिलहाल में किसी के पेंडिंग विड्रॉल या कुछ भी अभी हो नहीं रहा है, बट ये 100% अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम जरूर ये देखेंगे, मिस्टर आयुष यहाँ पे जरूर शेयर करेंगे कि बहुत जल्दी हमारे पेंडिंग विड्रॉल भी बल्क पेमेंट जो है बहुत जल्दी बल्क पेमेंट में आपको फिर सारी चीजें होगी, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक विड्रॉल्स लगा रखे हैं काफी टाइम से सितंबर अक्टूबर मंथ से, उनका भी अभी पे आउट आया नहीं है, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर जल्दी पेंडिंग विड्रॉल भी देखने को मिलेंगे। और इसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा सरप्राइज भी हो, क्योंकि मिस्टर नरेश ने लास्ट अपडेट में आके इस बात का भी जिक्र किया था कि कुछ सरप्राइज नहीं बल्कि बहुत सारे सरप्राइजेस भी आने वाले दिन में हमको देखने मिलने वाले हैं, तो सारे सरप्राइजेस का भी हमें वेट करना है यहाँ पे। और ऐश मुफारी सर की जो सबसे खास बात यह है कि वो ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है काम होते हैं, इस वजह से वो उनकी शेयरिंग ज्यादा नहीं करते, खुल के नहीं कर पाते, तो खुल के अगर वो सारी चीजें बता देंगे तो शायद हम लोग बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे, इसलिए वो चीजों को लीगल कुछ चीजें होती हैं, कुछ लीगल बातें होती हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकते, खासकर जो फाउंडिंग मेंबर से शेयर करने वाली बात होगी वही करेंगे। कुछ अपडेट पहले इस बात को उन्होंने बताया भी था कि सब चीजें नहीं बल्कि कुछ चीजें ही बताई जाएंगी, और कुछ चीजें जो जैसे हमें पे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं पता है, शायद हम उसे कभी जान भी नहीं पाएंगे, रियल बात बताएं तो उसे जान भी नहीं पाएंगे, और वैसे भी हमें उसको जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बिना जाने भी अगर आपका यहाँ पे एप्पल्स जनरेट हो रहे हैं, आपका रेवेन्यू अच्छा बन रहा है, तो आपको उस बात से मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपका आना इम्पोर्टेंट है, राइट, आपका जो भी एप्पल्स आएंगे वो आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे किस प्रकार से आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये कंपनी अपने लीगल तौर पे सारी चीजें करेगी और लीगल चीजों को बनने में टाइम लगता है, इसीलिए ऑन पैसिव को भी टाइम लग रहा है, काफी टाइम से जो है हम वेट कर रहे हैं सारी चीजों का, तो ये इसीलिए हो रहा है ताकि हमारा जितना हम डिले होते जा रहा है, मे बी जो चीजें दिसंबर मंथ में हो जानी चाहिए थी 2023 में वो अभी तक नहीं हुई है, तो इस बात को तो मिस्टर ऐश भी मानते हैं कि हम डिले हुए हैं, और उन्हें बोला भी था, सॉरी भी बोला था कि भैया आप डिले जरूर हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भैया ऑन पैसिव जो है यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट थी जो लास्ट अपडेट में मिस्टर ऐश ने इतनी सारी अपडेट दी थी, अगर आप एक एक अपडेट को पढ़ेंगे तो दिमाग बोलते ना कि दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग की धज्जियां उड़ जाने वाली बात होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चन किया गया था कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और पैसिव में क्या कुछ होगा, तो उन्होंने एक ही जो जवाब दिया था जो कि सब कुछ बयां कर देता था, वो ये था कि अगर मैंने इसके बारे में खुल के बताया इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मेरा जो है मर्डर हो जाएगा, लोग मुझे मार डालेंगे, तो मतलब कहने का ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी हमारा यहाँ पर ऑन पैसे में काम बिल्कुल 100% होने वाला है। और हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि इसीलिए होता है कि एक बड़ी फील्ड होती है, आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में
बहुत सारा पैसा होता है और हेल्थ इंश्योरेंस आप देखिए काफी लोग कराते हैं और उसमें कई बहुत सारे जो मार्केट में चल रहे हैं करप्शन कई तरह के वो खुल के नहीं आते हैं। अब ऑन पैसे में आने वाले वक्त में डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको इसके अंदर जो जो चीजें हो रही है जो मार्केट में आप देख रहे हो सब कुछ यहाँ से होना पॉसिबल है और हो रहा है, उसी के लिए तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं हम कार्ड की अगर बात करते हैं, हमारे खुद के कार्ड आना, फ्यूचर में अगर हमारे खुद के बैंक होंगे तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश बहुत पहले कह चुके हैं कि सब लाइन अप है सारी चीजें। तो ये बड़ा विजन है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, बड़ा विजन है इसलिए हम सोच रहे हैं कि अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, बड़े विजन को समझिए। मिस्टर ऐश ने यहाँ पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ जो है बिल्कुल चलते रहना पड़ेगा। कई बार जब बहुत चीजें डिले हो जाती है और लेट हो जाता है, एक्सटेंशन होते हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स बोलना लोग शुरू कर देते हैं, लोग आपको गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो उनकी चिंता छोड़िए। मैं तो देखिए यूट्यूब पे रहता हूँ, लाइव रहता हूँ, कई बार लोग आके कुछ भी बोल देते हैं, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, उससे हमें कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारे वो नेगेटिव तो नहीं होंगे बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन के कारण वो बोल देते हैं, लेकिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन उन्हीं के लिए घातक हो जाता है। तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो रियल पर्सन है, जो मीटिंग्स वेबिनार कर रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार अपडेटेड है, वो यहाँ पर एक्टिव रहने वाले हमेशा, और 99% लोग यहाँ पर सुपर एक्टिव हैं, किसी के मन में कोई डाउट नहीं है, बस डिले हो गए इस वजह से थोड़ा हम लोग कई लोग जो पैनिक हो जा रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना था, थोड़ा जल्दी हो जाता शायद और बेहतर होता और अच्छा हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए सारी चीजें, हमारा दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने OES पे जरूर आप नजर बनाए रखिए, आपका जो ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है वो फाउंडर्स है, उस पर कुछ ना कुछ अपडेट 100% आती रहती है, नई नई इंफॉर्मेशन आएंगी और कभी भी कुछ भी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, शायद कुछ हमें यहाँ पर जल्दी पॉपअप कुछ देखने को मिल जाए, या इसके अलावा कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाए, या मिस्टर ऐश हो सकता है कि 360 जब होता है गुरुवार को उसमें आए, या उसके पहले भी कुछ वेबिनार करते हैं, उसके बाद जब भी होगा, बट ये जरूर है कि आज मंगलवार है, मे बी सैटरडे तक आते आते कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, लेकिन किसी चीज की फाइनली कोई डेट नहीं है। अगेन बताऊं कि किस डेट में क्या होगा या उस डेट के पहले ये हो जाएगा, ये ऐसा भी नहीं है। डेट के ऊपर मत जाइए, डेट तो बस एक कहने की बात होती है, हो सकता है कि हम आप अभी यहाँ कुछ बात कर रहे हो, पता चला कुछ पॉपअप आ गया, एक सेकेंड लगता है किसी चीज को आने में और उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, और सिंगल क्लिक में पूरा गेम ओवर हो जाता है सारा। ऐसे ही आपने सिंगल क्लिक मतलब पूरा ओपन सारी चीजें, तो वैसे आपने देखा होगा जैसा गूगल सॉरी ये फेसबुक अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए बंद हो गया था इंस्टाग्राम, अरे धड़ल्ले से जो है शेयरिंग होना शुरू हो गई, अरे गया आपको फेसबुक क्या है ये, तो चला गया और ये हुआ वो हुआ, और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया था कुछ ही मिनट के अंदर फेसबुक का और यहाँ पे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट का। इतने कम समय में इतना सारा नुकसान होना, इससे ये साबित होता है कि हमारे डेटा का कितना खतरनाक यूज करके ये लोग जो है कंपनियां कमाती हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे और अदर सोशल मीडिया साइट हो। सोचते हैं हमने तो फ्री चलाया, बट इसका जो डेटा हम जो हमारा डेटा यूज करते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि आपका पर्सनल डेटा का यूज करके करोड़ों कैसे कमाए जाते हैं। यहाँ पर आपने सपोज मान के चलिए कोई जो है वेबसाइट के ऊपर गए, जहाँ भी आप जो है बोलते ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि हमारा अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट पे, पता चला आपने अमेजोन के ऊपर कोई शर्ट देखा, शर्ट अच्छा लगा, आपने क्लिक किया, आपने उसे परचेज नहीं किया, आपने जस्ट लाइक भी कर दिया और ये कर दिया, तो बाद में पता चला कि वो वही चीज आपको फेसबुक पे भी नजर आ रही है, क्योंकि फेसबुक में भी आपका अकाउंट है, तो आपकी पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट पर शेयर हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्या हुआ, उधर का जो अमेजोन ने डाटा उठा के आपको दे दिया, किसके ऊपर उसने आपको दे दिया, जो है आपका अमेजोन से उठा के उसने आपको दे दिया फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक के पास इतना सारी जानकारी कहाँ से आई, कहाँ से उनके पास इतना डाटा आ गया, क्यों उधर से शेयर किया गया, उधर से एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ क्या करती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, आपको डेटा शेयर करो, उधर का डेटा उधर बेचा गया और आपका यहाँ पे डेटा यूज हो रहा है, आपको एक रुपया भी नहीं दिया गया। लेकिन ऑन पैसिव में आप देखिए पिछले 5 साल से हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपका डेटा का यूज करके करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। मिस्टर ऐश के पास आज का डेटा, मेरा डेटा, किसी का 5 साल से, किसी का 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, और यहाँ पे लाखों लोगों का यहाँ पर डेटा मौजूद है ऑन पैसिव के पास में, लेकिन आज तक मिस्टर ऐश ने क्या उसका मिसयूज किया, वो भी चाहते तो कहीं भी किसी को भी दे करके और करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते, लेकिन ऐसा नहीं था, ये रियल कंपनी है, इसलिए करप्शन को हम खत्म कर रहे हैं, और आपके डेटा का जो मिसयूज किया जा रहा था दूसरी कंपनियों के द्वारा, अब उसका रियल टाइम आ गया है,
अब इसका यूज जो है सही जगह पर हो रहा है, जिसका नाम है onpassive.com, और ये एक वाकई में लाइफ चेंजिंग चीज हो रही जा रही है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल पेश होने वाली है, और इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों के परखच्चे भी उड़ने वाले हैं जो कि नेगेटिव तरीके से करप्शन करके जो है आगे बढ़ रहे थे। कई लोग onpassive से जलने भी वाले हैं, उसका एक रीजन ये है कि onpassive की वजह से जो है कई लोगों के घर बनने वाले हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लोगों का एक लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी सोच के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, रियल इंफॉर्मेशन के साथ में आगे बढ़ेगा, वही यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सालों में आप देखेंगे कुछ लोग और सिस्टम से आउट हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे, जो जिनके मन में डाउट था या जिनके मन में शक था, तो वो यहाँ सिस्टम में नहीं रहने वाले हैं। और इंडियन फाउंडिंग मेंबर की बात करते हैं तो भैया इंडिया में बहुत जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पे लगभग जो पूरे वर्ल्ड के जितने फाउंडिंग मेंबर, उसका 50 से 40 to 50% के बीच में इंडियन फाउंडिंग मेंबर है। इसीलिए जो है यहाँ का हमारा एक अलग वैल्यू है, और इसीलिए हमारा जो जनसंख्या है, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए वरदान साबित हो गया है। और आप लकीस्ट फाउंडर फाउंडिंग मेंबर हो कि 140 मिलियन, मतलब इतने 140 अरब लोगों में आप जो है सोचिए, यहाँ पर अरबों लोगों में आपकी गिनती हो रही है, मतलब 14 लाख लोगों, उसमें भी अगर हम सब सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं ले तो 5-6 लाख तो इंडिया के लोग हैं जो जिसके अंदर एक्टिव लोग हैं इसके अंदर, और सोचिए वो किस लेवल पर जाने वाले हैं। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, onpassive एक बहुत बड़ा मिशन है मिस्टर ऐश मुफारी सर का, जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की अगर बात करते हैं, अगर वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक नेक्स्ट लेवल पर कदम रख चुके हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, और हमें कोई रोक नहीं सकता है, हमें कोई भी यहाँ पर रोकने वाला नहीं है। और क्योंकि मिस्टर ऐश ने भी कहा है कि एक बार onpassive देखिए ऑलरेडी ऑन हो चुका है, अब इसके बंद होने की तो संभावनाएं खत्म ही हो गई है। और ऐश सर ने यह भी कहा था कि बिल्कुल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये onpassive भी कभी बंद नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा सिस्टम है, एक बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, एक शानदार टेक्नोलॉजी, और बड़ी सोच के लोग इससे समझ पाते हैं। रिसेंटली मैं एलन मस्क का जो है कुछ वीडियोस देख रहा था, अनबिलीवेबल। और आप ये सभी जानते हैं कि ऐश मुफारी भी उनको फॉलो करते हैं, और क्योंकि वो मेहनती आदमी है, आपको मैं बता दूं, आप कुछ देखेंगे इतनी सारी कहानियां उनकी कि आप सुन के हैरान रह जाओगे, उसमें से मैं एक शेयर करूंगा। उनके कुछ एक्चुअली जब स्पेस एक्स का कुछ काम चल रहा था या टेक्सला से रिलेटेड कुछ, टेक्सला कंपनी से रिलेटेड कुछ काम था, तो उनको कुछ सिर्फ कुछ नहीं, एक दो नट बोल्ट आते हैं जो कसने के, वो वहां पर अवेलेबल नहीं थे, वो ऐसे थे कि वो कहीं मिल ही नहीं रहते, उसको उसके लिए वो फ्रांस कंट्री में जाकर के उन्हें जो है वहीं पर अवेलेबल थे। तो जो वहाँ के इंजीनियर्स थे उन्होंने ये कहा कि यार सर अब कुछ नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, तो अपन मैसेज करेंगे, 2-4 दिन में जो है पार्सल आ जाएगा फ्रांस, और आपका काम चालू होगा, बंद नहीं होगा। लेकिन एलन मस्क की पागलपंथी देखिए, पागल लोग ऐसे ही होते हैं, जो काम के प्रति पागल होते हैं। उन्होंने अपना प्राइवेट जेट उठाया और निकल लिए सीधे फ्रांस के लिए गए, और कुछ ही घंटे बाद आके वापस आ गए और वो काम शुरू हो गया। अब लोगों ने पागलपन बोला, यार ये क्या है, इतने से 2-4 नट्स के लिए आप वहां पर गए हो, आपको नट बोल्ट की जरूरत थी, तो 2-4 दिन बाद भी आते। लेकिन उन्होंने बताया कि देखो टाइम की वैल्यू, यार टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और जितने सेकंड मुझे वहां जाने में, 2 दिन में सोचिए कितने सेकंड बर्बाद हो जाएंगे, वो 17,000 पता नहीं कितने 17 लाख सेकंड ऐसे कुछ हो जाएंगे, जितना उतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम लगाऊं। तो उन्होंने जो 2 दिन बचाए, उस 2 दिन के अंदर वो बहुत बड़ी चीज तैयार कर सकते थे। कई लोगों ने उन्हें बोल दिया था जब टेस्ला के कार तैयार नहीं हो रहे, तो उन्होंने बोला 1 महीने के अंदर हम 5,000 कार तैयार कर देंगे। तो बड़े बड़े जो लीडर बिल गेट्स है और भी कई लोगों ने यहाँ पे बोला कि यार ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन उनने इतने चैलेंज के बाद भी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, टेस्ला की 5,000 कारें 1 महीने के अंदर निकाल दी थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ऐसे पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड उनके नाम है। ये होता है पागलपन। तो ये जो पागल लोग होते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। तो कोई आपको अगर पागल कह दे कि यार पिछले 5 साल से तुम एक ही कंपनी के पीछे पड़े हो, कुछ तो तुम्हारा हुआ नहीं, तो ये पागलपन ही है दोस्तों। ये पागलपन एक दिन आपको टॉप पे ले जाएगा। मिस्टर ऐश मुफारी को लोग 50 बार बोलते होंगे यार आपके पागलपन है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए वो इसे कर रहे हैं दिल और जान के साथ में, और AI विद हार्ट, ये जो है बिल्कुल दिल से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात है, यहाँ पे मानवता की बात है, इंसानियत की बात है। इसलिए वी आर द टॉप, एक्टिव रहिए, एक्साइटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से बचिए, आप सुपर टॉप हीरो हैं। तो बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू सर।